मैं मदनी काफले वाला हूँ, अपना पेट भरता ही नहीं है। अगर मदनी काफले को समझ लिया कि ये जब तक नहीं होंगे, ना अपनी तरबियत होगी, ना मस्जिद मस्जिद और मोहल्ले मोहल्ले दीनी काम बढ़ेगा। मदनी काफला पूरी दुनिया में दीन का काम बढ़ाने का एक शॉर्टकट है, दीनी काम की रीढ़ की हड्डी है। दावत इस्लामी के दीनी काम की रीढ़ की हड्डी है मदनी काफला। अगर दावत इस्लामी में तो मदनी काफले माइनस हो जाए ना, तो बहुत कुछ समझो कि वो हम खो देंगे। तो मेरे तमाम मदनी बेटे जो है वो बस मदनी काफले को पकड़ ले, इसमें बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है मदनी काफले में। तो बड़ी तकदीरें बदलती हैं इसमें, लोगों की बड़ी इसलाह होती है और मस्जिदों में काम शुरू हो जाते हैं, इलाकों में काम शुरू हो जाते हैं, दीगर शहरों में मदनी काफले जाते हैं, हफ्तावार इज्तिमा शुरू हो जाते हैं। बड़ा मतलब यानी कि बहुत तरक्की हो जाती है मदनी काफिलों के जरिए। और दुनिया में जो हम फैले हैं तो कोई मदनी चैनल के जरिए थोड़ी फैले, मदनी चैनल भी हमको मदनी काफिलों के जरिए मिला है। अगर यूं कहें तो शायद ज्यादा मुबालगा नहीं है। दीगर ममालिक में काम कैसे उठा, उस वक्त तो मदनी काफले गया, मोबाइल भी नहीं होता था। जब हमने काम शुरू किया तो मोबाइल भी मालदारों के पास होता हो तो होता हो, मोबाइल आम नहीं था। तो अल्हम्दुलिल्लाह डोर टू डोर जाकर, शहर शहर गली गली जाकर दीवानों ने काम किया, आशिकान रसूल ने काम किया। और यूं मदनी काफले ले 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 लेकर वो जाते रहे और काम उठाते रहे। इसी की बरकत से अब मदनी चैनल भी हमको मिल गया, हमारा काम और बढ़ गया अल्लाह की रहमत से। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम चूंकि मदनी काफलों वाले हैं तो हम मदनी चैनल के लिए भी हम मदनी चैनल के मोहताज नहीं है। अल्लाह ना करे अगर मदनी चैनल बंद भी हो जाता, हमारा काम बंद नहीं होगा, काम चलता रहेगा। ये अल्लाह का करम है, कहा हमारा काम जो है ना एक ट्रैक पर लग गया, ये चलता रहेगा इंशाल्लाह। लेकिन मदनी चैनल भी क्यों बंद हो, अल्लाह करेगा ये भी चलता रहेगा। लेकिन एक मैं बात बोलता हूँ, हम मोहताज नहीं है मदनी चैनल के या सोशल मीडिया के भी मोहताज नहीं है। अल्लाह की रहमत है, हमारे पास अफरादी कुव्वत है, अल्लाह की अता से है, अफरादी कुव्वत है, लाखों करोड़ों तक हमारा पैगाम पहुंचा। इस्लामी बहनों का तो अभी तज़किरा ही नहीं किया कुछ, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारा मतलब है कि हमारे पास अल्लाह ने खजाना अता फरमाया हुआ है। अगर हमारे जिम्मेदारान इस खजाने से खरीदारियां शुरू करें ना, तो इंशाअल्लाह मतलब हमारा बच्चा बच्चा नमाजी बन जाएगा। इन मानवर खरीदारियां बाग दौड़ मचा दें मदनी काम की, दीनी काम की, और खूब सुन्नतों की धूमधाम मचा दें, बच्चा बच्चा अल्लाह करेगा नमाजी हो जाएगा। हमारी इस्लामी बहनें भी नमाजी बनेंगी, शरई पर्दे नाफिज होंगे, गुनाहों के जो अड्डे हैं वो वीरान होंगे, अल्लाह के घर मस्जिदें आबाद होंगी, घरों से जो आजकल फिल्मी गानों की आवाजें आती हैं इंशाअल्लाह वहां कुरान की तिलावत और नातों के तराने सुने जाएंगे इंशाअल्लाह। आप करें तो सही, मदनी काफिले को थामे तो सही, फिर देखना कितनी तरक्की होती है। मगर मदनी काफिले में जदवल जो है ना उसके मुताबिक काम करना है, ये मेरा पुराना मुतालबा है, जदवल से ना हटा जाए। जो तरीकेकार जो दिया हुआ है, शेड्यूल जो दिया जाता है, उस शेड्यूल को फॉलो करना है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।